देवभूमि में चुनाव जीतने के लिए सीएम हरीश रावत ने अपने बेटे को सौंपी सरकारी खजाने की चाबी। आनंद रावत को मिला श्रम विभाग में 250 करोड़ बांटने का जिम्मा। आनंद बोले, विरोधियों की पैरों तले जमीन हटा दूंगा। मुख्यमंत्री हरीश रावत को अनिल बलूनी की खुली चुनौती। कहा, हरीश रावत जहां से चुनाव लड़ेंगे मैं उनके खिलाफ लड़ूंगा। रुद्रप्रयाग में जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा, भाजपा परिवर्तन यात्रा निकालकर मात्र जनता को गुमराह कर रही। हकीकत यह है कि भाजपा के राज्य के विकास के लिए ना तो कोई रणनीति है और ना ही कोई सोच। कोटद्वार में राज्य मंत्री जसवीर राणा ने बीजेपी की परिवर्तन यात्रा पर साधा निशाना। बोले, लड़ाई और मतभेद में बदल चुकी है बीजेपी की परिवर्तन यात्रा। पिथौरागढ़ में वन विकास निगम पर लग रहे घोटाले के आरोपों पर बोले हरीश धामी। कहा, अगर बीजेपी के लगाए हुए आरोप होते हैं सही तो छोड़ दूंगा राजनीति। श्रीनगर के चुन्नीखाल गांव में एनआरडीडब्ल्यू कार्यक्रम में पेयजल मंत्री ने ग्राम समूह पंपिंग योजना का लोकार्पण किया। 3217.44 लाख की लागत से तैयार कोटेश्वर सिल्काखाल ग्राम समूह पंपिंग योजना से करीब 2 दर्जन गांव की पेयजल समस्या दूर हो जाएगी। स्वास्थ्य विभाग में हुए टैक्सी बिल घोटाले में 10 महीने की जेल की सजा काट चुके ट्रैवल एजेंसी के मालिक सुशील उनियाल ने स्वास्थ्य विभाग में हुए टैक्सी बिल घोटाले में बड़ा खुलासा करते हुए कहा कि इस घोटाले में सिर्फ ट्रैवल एजेंसी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए उन्हें 10 महीने जेल में रखा गया, जबकि मामले में तमाम अधिकारियों सहित पूर्व मुख्यमंत्री का स्टाफ भी शामिल था, लेकिन उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। उत्तराखंड में आरबीआई की कोऑपरेटिव बैंक पर रोक से पहले ही खेल हो गया। नोटबंदी के महज 4 दिन के अंदर उत्तराखंड के सहकारी बैंकों में जमा हुई रकम से आरबीआई हैरान है। जिन बैंकों में सिर्फ लाखों का लेनदेन होता था वहां 235 करोड़ जमा हो गए, जो किसी के गले नहीं उतर रहा। उत्तरकाशी के संगम चट्टे इलाके में भालू ने एक महिला पर हमला कर दिया। अभी 24 घंटे भी नहीं बीते कि उत्तरो गांव में भालू का यह दूसरा हमला हो गया। घायल महिला के चेहरे और आंख पर गहरे जख्म हो गए हैं। गांव वालों ने उसे फौरन जिला अस्पताल में भर्ती करवाया। रुड़की में यूपी सिंचाई विभाग की बेशकीमती जमीन पर अवैध निर्माण धरले से जारी है। ताजा मामला कलीगर का है। नहर पटरी के पास करोड़ों की लागत से पार्क तैयार करने के बाद अब उन्हें तोड़कर रैन बसेरा तैयार किया जा रहा है। दरगाह प्रशासन 1.30 करोड़ की लागत से रैन बसेरा बनवा रहा है। पिछले 5 साल में नैनीताल क्लब से राज्य सरकार को 1,26,50,285 रुपए की आमदनी हुई, जबकि खर्च 2,01,44,479 रुपए, यानी जितना कमाया नहीं उससे ज्यादा खर्च कर दिया। यह खुलासा आरटीआई के तहत हुआ है। राज्य के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल की हालत इन दिनों खस्ता हाल है। दरअसल दून अस्पताल में मरीजों को ना तो बेहतर इलाज मिल रहा और ना ही दवाएं। ऐसे में मरीजों के सामने इलाज का संकट गहराने लगा है। आलम यह है कि लोगों को दवाओं के नाम पर अस्पताल प्रशासन के चक्कर काटने पड़ रहे हैं। गोमुख और गंगोत्री की चोटियों पर अभी तक बर्फबारी नहीं हुई, जिससे सेब उत्पादन करने वाले किसानों की चिंता बढ़ गई है। मौसम के जानकार इसे एक पर्यावरण दुष्परिणाम के रूप में देख रहे हैं।
नैसर्गिक सौंदर्य से भरपूर पौड़ी में निर्माणाधीन बस अड्डा इसकी खूबसूरती पर दाग की तरह लग रहा है। जनप्रतिनिधियों और इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट की लापरवाही के साथ ही नगरपालिका भी इसके लिए जिम्मेदार है। 4,52,00,000 खर्च हो जाने के बाद भी 2006 से यह बस अड्डा अधर में अटका हुआ है। बर्ड वॉचिंग के लिए वॉचिंग के शौकीनों के लिए खुशखबरी है। सर्दी शुरू होते ही परदेशी परिंदों ने दस्तक दे दी है। इन विदेशी मेहमानों से हरिद्वार और आसपास के क्षेत्र गुलजार हो उठे। ये साइबेरियन पक्षी भीमगोड़ा बैराज, झिलमिल झील, चीला क्षेत्र में सबसे ज्यादा देखे जा रहे हैं। पानी की बर्बादी, बढ़ती पेयजल समस्या पर विभाग गंभीर हो गया है। वन विभाग ने एडीबी की मदद से राजधानी में पानी के मीटर लगाने की शुरुआत कर दी है, जिससे लोगों को पानी के खर्चे के अनुरूप ही अब भुगतान करना पड़ेगा। अभी तक फ्लैट रेट पर लोगों को पानी मुहैया कराया जाता रहा है। कोटद्वार शहर में लगातार डग्गामार जीपों की संख्या बढ़ती जा रही, जो आए दिन दुर्घटनाओं को न्योता दे रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं द्वारा डग्गामार जीपों के विरोध में उप जिलाधिकारी को ज्ञापन प्रेषित किया गया। देहरादून में रोडवेज कर्मचारी संयुक्त परिषद ने मुख्यमंत्री हरीश रावत के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। वादा खिलाफी का आरोप लगाते हुए धरना प्रदर्शन कर रहे कर्मचारियों ने सीएम हरीश रावत और अधिकारियों के खिलाफ जमकर नारेबाजी की।